अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई ऑन द परसिस्टेंट डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली पीसीएमबी 11th, उन्हें बार बार ये चीज कहा, दे टोल्ड दैट सर हमने क्लास में ये नहीं पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा एंड पीसीबी बॉयज, आई थिंक उनके परसिस्टेंट डिमांड पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए किंगडम प्रोटिस्टा भी अपलोड करूं ताकि आपको इससे आसानी हो जाए मेरे बच्चों। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए बेटे, एटलीस्ट यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल्ड टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय द कार्लोस लिनियस, उसमें दो ही किंगडम बनाए गए थे, एक था किंगडम प्लांटेल, दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। आई होप ना कि ये चीज आपको पता होगा कि किंगडम प्लांटी में किनको रखा गया था और किंगडम एनिमिलिया में किनको रखा गया था, वो तो आपको पता होगा बेटे उस टाइम, मतलब उसके डिमेरिट्स वगैरह वो तो आपने पढ़े होंगे बाद में। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है, पहले बिफोर स्टार्टिंग किंगडम प्रोटिस्टा, टर्म प्रोटिस्टा वॉज कॉइंड बाय, और इट वॉज व्हाट यू कॉल्ड एज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। ये पहला पॉइंट मेरे बच्चे सारे नोट करेंगे कि ये जो टर्म प्रोटिस्टा है इसको क्वाइन किया गया, इट वॉज फर्स्ट क्वाइन बाय द अर्नेस्ट हेकल। तो ये हो गया बेटा पहला पॉइंट इनके बारे में जो आप याद रखेंगे, पहला किंगडम मतलब इंट्रोडक्शन में आप याद रखेंगे टर्म प्रोटिस्टा किसने क्वाइन की थी, अर्नेस्ट हेकल बेटे। ओके नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, नाउ किंगडम प्रोटिस्टा में रखा किनको गया बेटा। अगर आपको याद होगा किंगडम टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में एक बड़ा डिमेरिट था कि देयर वाज एमलगेमेशन ऑफ व्हाट कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, फिर एक अलग किंगडम निकाला गया किंगडम मोनेरा, और फिर एक और डिमेरिट था वहां यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स एक ही मतलब ग्रुप में थे। जैसे हम प्लांट किंगडम की बात करते बेटे, वहां व्हाट कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, जैसे एल्गी को रखा गया था उधर पर, प्रोटिस्टा को प्लांट किंगडम में रखा गया था अलॉन्ग विद द हायर प्लांट्स। तो इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, या इसलिए बेटा ये दिया गया कि ताकि सेपरेट ग्रुप मिले किनको, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को। किंगडम प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ, इज द डायग्नोस्टिक पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे ही पूछा गया था मतलब नीट एग्जाम्स में, और रिकॉर्ड इज जे इनकी सीटी हुआ करता था इधर पर, उसमें ये पूछा गया था डायरेक्टली क्वेश्चन, किंगडम प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द किंगडम प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स irrespective of their nutrition, that's very very important, irrespective of their nutrition। यहां पर मैं ये explain कर लूंगा मेरे बच्चों थोड़ा सा, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी उस टाइम देखिए, जब टू किंगडम सिस्टम था तो किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमिलिया था, फिर किंगडम माइकोटा भी जिसको बोलते थे, MYCHOTA, जिसको मोनेरा लेटर नाम दिया गया। तो उसके बाद भी क्या रहा, प्लांट किंगडम में या एनिमल किंगडम में कुछ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स रह गए, उन यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को निकाल कर इनको एक ऐसे अलग किंगडम असाइन किया गया बेटा, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बोला मैंने, किंगडम प्रोटिस्टा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों, इट द पॉइंट व्हाट कॉल्ड किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने बोला इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर न्यूट्रिशन, मतलब इसमें कुछ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स ऐसे भी है बेटा विच आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ ऐसे भी है विच आर हेटेरोट्रॉप्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट। मतलब जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको डाला गया बेटा किसमें, व्हाट कॉल्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा में। थर्ड पॉइंट अबाउट दिस थिंग इज, तीसरा चीज जो मैं इनके बारे में बता दूं बेटे, इंपॉर्टेंट जो है इनके बारे में बेटे, दे हैव ऑल द टिपिकल यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स। लेकिन उस पॉइंट से पर जाने से पहले मैं आपको यह चीज क्लियर करूंगा बेटा कि जो बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम है, दे आर नॉट क्लियर या दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, मैं आगे बता दूंगा। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, विच किंगडम आई एम टॉकिंग ऑफ, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोटिस्टा। बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा,
बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट क्लियर, आर नॉट क्लियर आर डिस्टिंक्ट. बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, विच किंगडम बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट क्लियर आर नॉट और आई कैन सी दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. अब आप बताएंगे सर ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग. मैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर लूंगा बेटे. क्या बोला मैंने बेटे, अब मैं ये क्लियर करने जा रहा हूं कि व्हाई द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट क्लियर, व्हाई द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट डिस्टिंक्ट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये जो मेंबर्स है ना बेटा, व्हाट यू कॉल्ड एज, जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा है, जो मेरे बच्चों क्या है, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दे शेयर देयर कैरेक्टर्स विद द व्हाट यू कॉल्ड एज प्लांट्स, दे शेयर सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स विद द एनिमल्स, और दे शेयर सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स विद द व्हाट यू कॉल्ड एज फंजी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर किंगडम, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे बेटे, दे हैव व्हाट यू कॉल्ड एज, जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टर्स उनके देखते बेटे, उनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं प्लांट्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल वह सेलुलोजिक वॉल, सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, समझ रहे आप. एनिमल्स की बात करेंगे बेटे, उनमें एनिमल कैरेक्टर्स भी है, यानी कि व्हाट कॉल्ड एज सम ऑफ देम आर व्हाट कॉल्ड एज ओके व्हाट हेटेरोट्रॉप्स, एनिमल कैरेक्टर, और some of them are what you called as, some of what you called as them are what you called as they have well developed locomotory system, or they have well developed what you called as locomotion, samajh gaya, which is not a plant character. Plants are sedentary, kuch animal characters in mein hai, heterotrophic mode of nutrition we have, and we have another one that is what you called as, they have locomotory mechanisms, they have, I can say that's an animal character. Likewise they have some fungal characters as well, समझ रहे आप, दे आर सम फंगल कैरेक्टर्स, दे आर व्हाट यू कॉल्ड एज फंगल, जैसे फंजाई स्पोर्स बनाते थे, जैसे उनमें कभी कभी बॉडी होती थी बेटा, आपको पता है मल्टीन्यूक्लिएटेड मॉस, वो आगे आपको इसमें दिखेगा. कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा है विच रिजेंबल वेरी मच इन द स्ट्रक्चर टू द फंजे. तो इसमें हम आपको बता देंगे इनमें कैरेक्टर्स प्लांट्स के साथ भी मिलते हैं, एनिमल के साथ भी, और फंजे. तो खुद ये जो है बेटा किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसीलिए हम इसके कहते हैं कि इसके अपने मतलब ना कोई मखसूस बाउंड्री नहीं है, डिस्टिंक्ट, जैसे दिस प्रोटिस्टन कैरेक्टर, एंड मतलब जैसे हम बोलते हैं कि दिस प्रोटिस्टन कैरेक्टर, इट्स अ प्रोटिस्टा कैरेक्टर, इट नॉट बी सम मतलब दे आर कॉल्ड एज, ये किसी और किंगडम में नहीं होगा, ऐसा यहां पर कुछ नहीं है. दे आर कॉल्ड मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई, इसलिए हम कहते हैं तो आई थिंक दिस माइट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. तो अभी हम बोलते हैं जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो है बेटा इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट कॉल्ड एज फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया. तो याद रखो मेरे बच्चों, ये जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, या प्रोटिस्टा जो मेंबर्स के हैं, ये एक लिंक मानी जाती है, एक कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है बिटवीन फंजाई, बिटवीन प्लांटी एंड एनिमिलिया, क्योंकि इनके मेंबर्स में इनके भी कैरेक्टर्स, इनके मेंबर्स में बेटे इनके भी कैरेक्टर्स, और इनके मेंबर्स में इन ये भी कैरेक्टर्स, तो इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बेटे. एंड आई वुड कोट वन मोर पॉइंट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो यूनिसेल्यूलर, जो मल्टीसेल्यूलर यूकेरियोट्स है, प्रोटिस्टा आर सेड टू बी ancestors of all the multicellular eukaryotes. फिर कहा जाता है फंजे भी इन्हीं से इवॉल्व हो गए, प्लांटी भी इसी से आ गया, और एनिमल्स भी इसी से इवॉल्व हो गए. तो that's my dear students what we called as, this is a basic idea about what we called as किंगडम प्रोटिस्टा. अब और कुछ फीचर्स इनके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं बेटे अभी, या जिनकी हमने बात करनी है अभी. जो आप देखेंगे इनके मेंबर्स जो है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर primarily aquatic, ये लिख कर रख लीजिए बेटे, please note it down. The members of the what you called as protista, they are primarily aquatic in nature. ये aquatic होता है, यानी कि ये what you called as they are found in the
एक्वाटिक एनवायरमेंट से, एक्वाटिक हैबिटेट्स में इनको पाया जाता है, मरीन हैबिटेट्स में इनको पाया, ओशियंस में ये होते बेटे। तो प्राइमरली दे आर एक्वाटिक, सम में थ्राइव ऑन द मॉइस्ट सॉइल्स, कुछ इनमें होते बेटा जो मॉइस्ट सॉइल्स पर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जनरल जो फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर जो है मेरे बच्चों, वो है दे आर प्राइमरली एक्वाटिक। ये इनके आपको बेटा इनके बारे में याद रखना है बेटे। आप बोलेंगे सर नेक्स्ट क्या याद रखेंगे इनके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव, when we talk about what is called as members of protista, they have eukaryotic cell structure. They have what? Eukaryotic cell structure, because this is the kingdom of unicellular eukaryotes. They have eukaryotic cell structure. इनके अंदर eukaryotic cell structure होता बेटे। They have a distinct nucleus. इनमें ये है, they have a distinct nucleus covered by nuclear membrane. Covered by nuclear membrane. तो ये इनका एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता बेटा, विच इज कवर्ड बाय व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे यूकेरियोटिक सेल्स में होता बेटे। दिस इज यूकेरियोटिक कैरेक्टर, यूकेरियन, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? के ट्रू न्यूक्लियस होता है, अनलाइक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और प्रोकैरियन। दे हैव वेल डेवलप्ड व्हाट इज कॉल्ड एज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। They have well-developed double membrane cell organelles. जैसे यूकेरियोट्स में double membrane enveloped cell organelles आपने पढ़े होंगे, वो भी मेरे बच्चों इनमें होते हैं। Distinct इनके अंदर nucleus होता है बेटा, इनका well-developed double membrane cell organelles इनके अंदर होते हैं। Mitochondria, वह Golgi apparatus, वह others, what you called as endoplasmic reticulum, वो इनमें होते हैं बेटे। Next very important point about them is they have what you called as सीलिया एंड फ्लैजुला। पहले अगर मैं इनमें लोकोमोशन की बात करूंगा, अच्छा चलिए बाद में वो बताता हूं आपको, यहां सेल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर सीलिया एंड फ्लैजुला आपने देखा होगा, फ्लैजुला बेटे आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स में भी देखा होगा, प्रोकैरियोट्स में भी आपने फ्लैजुला पढ़ा होगा, वो फ्लैजुलिन प्रोटीन का होता है और वहां पर जो माइक्रोटिबल उसका अरेंजमेंट रहता है बेटा, वो रहता है 9+0 अरेंजमेंट। इनमें सीलिया फ्लैजुला रहता है बेटा एज रिकॉर्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। They have 9+2 arrangement. This is very, very important. They have 9+2 arrangement of what is called as microtubules. 9+2 arrangement of microtubules. ये यहां पर मैं explain नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने detailed पढ़ा होगा structure of cilia and flagella. देखो prokaryotes में भी cilia and flagella हो सकता है, flagella तो इनमें होता बेटा, लेकिन वहां जो एक तो difference है, वहां जो prokaryotic flagella है वो फ्लैजुलिन प्रोटीन का बना होता है, और जो यहां पर फ्लैजुला है या सीलिया, ये बने होते बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और जो अरेंजमेंट जो इन प्रोटीन्स ने माइक्रोट्यूबुल्स बनाए होते, और उनमें जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुल्स का, वो होता है 9+2 अरेंजमेंट, अनलाइक प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला विच हैज 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये आपने बेटे याद रखना पड़ेगा। लाइकवाइज दे हैव राइबोसोम्स, जैसे वे हैव 70S राइबोसोम्स इन द प्रोकैरियोट्स, दे हैव व्हाट इज 80S राइबोसोम्स। इनके अंदर 80S राइबोसोम्स, सेवर्डबर्गस कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज कॉल्ड एज ये इनके फीचर। ये जनरल फीचर्स हो गए इनमें, प्राइमरली एक्वाटिक है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इनके अंदर है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटिस्टा सेल, सॉरी सीलिया एंड फ्लैजुला। दे हैव 9+2 अरेंजमेंट, अनलाइक प्रोकैरियोट्स विच हैव 9+0 अरेंजमेंट, zero arrangement of microtubules, they are made up of protein called as tubulin, and they have called as ATS ribosomes. तो ये हो गया मेरे बच्चों इनके बारे में कुछ ना main main features. I think it's very very clear to you. Should I wrap it off? Okay, my dear students. अगर इनमें locomotion की बात करें बेटे, locomotion दे हैव व्हाट यू कॉल इट डाइवर्स मोड्स ऑफ लोकोमोशन, यानी कि दे कैन मूव बाय द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। इनमें मूवमेंट हो सकती है बेटे सीलिया और फ्लैजुला की वजह से, यानी कि दे कैन शो सीलियरी मूवमेंट्स और दे कैन शो फ्लैजुलर मूवमेंट्स। ये इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं बेटे, समझ रहे आप? और व्हाट यू कॉल्ड वो तो होता ही हो। दे हैव आल्सो व्हाट यू कॉल्ड सीडोपोडिया, फॉल्स फीड फॉर लोकोमोशन, सीडोपोडिया, सम व्हाट यू कॉल्ड जब हम आगे जाएंगे बेटे, समझ रहे हैं आप?
उनमें मतलब ना सीडोपोडिया बनते हैं जिनको फॉल्स फीट बोलते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर्स में कुछ ऐसे भी है जिनको फॉल्स फीट बन जाते बेटे, किसके लिए, किसके लिए मेरे बच्चों, लोकोमोशन के लिए। तो ये हो गया इनके लोकोमोटर के बारे में, दे हैव डाइवर्स मोड्स ऑफ लोकोमोशन। और अब मैं थोड़ा सा इनके न्यूट्रिशन की बात करूंगा बेटे, दे हैव व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनली दे आर वेरी डाइवर्स, यानी कि प्रोटिस्टा कुछ ऐसे है विच आर ऑटोट्रॉफिक, विच आर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स भी है, पैरासाइटिक दे आर, सिंबायोटिक दे आर, सैप्रोफिटिक दे आर, मतलब न्यूट्रिशनली दे आर वेरी डाइवर्स, लेकिन यानी कि दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे हैव हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में दे हैव फोटो ऑटोट्रॉफिक, that is they perform photosynthesis. Heterotrophic mein they have different modes, they can be called as holozoic, they may be taking solid food, they may be holozoic ho sakte bete ye, they may be what called as I can say holozoic samajh rahe aap, they ingest solid food, they can be saprophytic, they can be parasitic, recorded they have all the heterotrophic modes of nutrition whatsoever are possible. Lekin ek cheez inki nutrition mein yaad aapne rakhna hai, chemo autotrophic mode of nutrition inme absent hota hai, chemo autotrophic mode of nutrition inme absent hota hai. Ye inki nutrition ke hawale se they have diverse modes of nutrition एक्सेप्ट कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इनमें नहीं रहता बेटे, दे डू नॉट हैव कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये लिख कर रखिए, प्रोटिस्टा डू नॉट परफॉर्म कीमो ऑटोट्रॉफिक व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये हो गया इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ये हो गया एक जनरल ना, अगर आपको वहां बोर्ड एग्जाम्स में आता है राइट व्हाट इज कॉल्ड या डिस्कस जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, वो हमने बहुत ही आसान तरीके में आसान भाषा में आप तक पहुंचाई बेटे। अब इसके बाद वी वुड गो टू द व्हाट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की जब बात की जाए मेरे बच्चों, they have been classified into photosynthetic protista, they have been classified into consumer decomposer decomposer protista and they have been recalled as divided into protozoans। ये याद रख लीजिए बेटे, किंगडम प्रोटिस्टा को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, अनदर इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा एंड थर्ड इज प्रोटोजोअन्स। इसमें जो मेन बल्क ऑफ द डिस्कशन जो टेक्स्ट में हुआ है वो हुआ है इनके बारे में, इनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो मैं बता दूंगा, इनके बारे में बिल्कुल कम क्योंकि एनिमल किंगडम में भी आप पढ़ते हैं कि बिकॉज दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड एज एनिमल्स, तो जो मेजर पार्ट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। अब मैं बात करूंगा एक पॉइंट यहां पर लिखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटिस्टन एल्गी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटिस्टन एल्गी, इनको प्रोटिस्टन एल्गी कहा जाता है कॉमनली, दे आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड्स, जो कंज्यूमर मीन्स हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिकम्पोजर ऑल्सो मीन्स हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, दे आर कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, दे आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा mean they would be autotrophs and obviously exclusively they would be photoautotrophs because chemoautotrophic mode of nutrition is absent in the protista, that's present in the bacteria, we have chemoautotrophic bacteria like nitrifying bacteria, munifying bacteria and all you can do that, that is protistan algae, inko commonly kaha jata hai, inko slime molds kaha jata hai bete, and inko they are commonly called protozoans, inko kaha jata hai bete। ab
जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है या प्रोटिस्टेंट एल्गी जो है, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज, टेक्स्ट का हम फॉलो करेंगे, डायएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। इनको क्लासिफाई किया गया है डायटम्स में, किनको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। पहले याद रखो यार, वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ना यही आपको पूछा जाएगा कि डायनोफ्लैजिलेट्स किनको बिलोंग करते हैं। प्रोटिस्टेंट एल्गी जो है इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स हैविंग फ्लैजिला, डायटम्स मींस टू, समथिंग लाइक टू डाई, यूग्लिनोइड्स। इसी तरीके से जो स्लाइम मोल्ड्स है, they have been further what is called as divided into they have been divided into two groups only, sorry, one is cellular slime molds and another is acellular slime molds. SM जो है यहां पर बेटा, SM जो है denote कर रहा है बेटा। नाउ we'll be talking about classification of these protozoans. Protozoans have been classified into four groups. One is amoeboid protozoans. Amoeboid protozoans or sarcodines bhi inko kaha jata hai. सार्कोडाइना भी इस ग्रुप को कहा जाता है, सार्कोडाइन्स भी। वी हैव सीलिएटेड और सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, एंड वी हैव स्पोरोजोअन्स। ये कॉपी करो बेटा, इनका टेक्स्ट में जिक्र है, एक एक एग्जाम्पल आपने याद रखना, बस इतना, बाकी आपने इसमें कोई डीप स्टडीज नहीं करनी है। प्रोटोजोअन्स को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, एमीबा लाइक प्रोटोजोअन्स और सार्कोडाइन्स इनको कहा जाता है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स ऑब्वियसली वो जिनमें व्हाट इज कॉल्ड एज, जिनके सेल के अंदर व्हाट इज कॉल्ड एज सीलिया प्रेजेंट हो, जिनके बॉडी के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो बेटे, सीलिएटेड। फ्लैजिलेटेड आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, एक एक एग्जाम्पल या मेन मेन जिससे आपको याद रहेगी। तो यह है क्लासिफिकेशन। बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स, मैं यहां पर जब आपको बता दूंगा जो किंगडम प्रोटिस्टा है, यह हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा विच आर कॉल्ड एज प्रोटिस्टेंट एल्गी, देन वी हैव कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा विच आर कॉल्ड एज व्हाट, स्लाइम मोल्ड्स, and then I called as, we have another group called as protozoans. Then I told you that photosynthetic protista have been subdivided into three groups. One is called as diatoms, another is called as dinoflagellates, and third is called as euglenoids. Phir maine bola, slime molds have been divided into cellular slime molds and cellular slime molds, and then I told that protozoans have been divided into what is called as amoeboid protozoans or sarcodines, ciliated protozoans, flagellated protozoans and sporozoans. My dear students, you have copy kar lo and then we would move ahead. Now we'll do a comparative study of, फर्स्ट वी विल डू अ कंपैरेटिव, और वी कैन से जिसमें मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वन इज डायटम्स। पहले हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे,
वन इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फुरसंधि प्रोष्ठ, वन इज डायटम्स, अनदर इज डायनोफ्लाजिलेट्स एंड थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स। जरा एक चीज मुझे इनमें कॉमन बताइए बेटा, डायटम्स, डायनोफ्लाजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के बारे में एक चीज कॉमन बताइए। आप नहीं बता सकते, आप बिल्कुल बता सकते, दे आर ऑल फुरसंधि प्रोटिस्टा। ओके, डायटम्स जो है इनके साथ एक और ग्रुप आ जाता है बेटे, विच आर कॉल्ड एज डेस्माइड्स, गोल्डन एल्गी जिनको कहा जाता है। मैंने कुछ ऐड नहीं किया बेटे, आई एम फॉलोइंग योर टेक्स्ट बुक। मैंने बोला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, वन इज डायटम्स, अंदर डायनोफ्लाजिलेट्स एंड थर्ड इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड्स। नाउ डायटम्स के साथ एक और ग्रुप आता है बेटा, दोज आर कॉल्ड डेस्मिड्स, डी एस एम आई डी एस, डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी जिनको कहा जाता है। अब डायटम्स जो है बेटा दे बिलोंग टू द डिविजन क्राइजोफाइटा, दे बिलोंग टू द डिविजन क्राइजो, दे बिलोंग टू द डिविजन क्राइजोफाइटा। ये बिलोंग किसको करते बेटा, क्राइजोफाइटा को बिलोंग करते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइजोफाइट्स। दे बिलोंग टू द डिविजन क्राइजोफाइटा, कौन कौन, डायटम्स प्लस डिस्माइड्स, डिविजन इनका है क्राइजोफाइटा, या इनको क्राइजोफाइट्स भी कॉमनली कहा जाता है, लेकिन इन दो को जोड़कर किस किस को, डायटम्स एंड डेस्माइड्स। इसी तरीके से डायनोफ्लाजिलेट्स दे बिलोंग टू द डिविजन, अगर इनका डिविजन देखा जाए, पायरोफाइटा, पायरोफाइटा, और अगर इनका डिविजन देखा जाए तो दे बिलोंग टू द डिविजन यूग्लिनोफाइटा। स्टूडेंट शुड अप्रिशिएट दिस थिंग, क्योंकि आई टॉट यू इन द बिगिनिंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी, वी हैव सेवन ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमी कैटेगरी जिनमें डिवीजन आता है बेटी प्लांट्स में, तो ये है हमारा बेटा इनका डिवीजन। अगर इनकी क्लास की, अलग अलग इनकी क्लास की बात की जाए, दे बिलोंग टू द क्लास बेसिलेरोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी, बी ए सी आई एल एल ए आर ओ, बेसिलेरोफाइसी। इनका क्लास देखा जाए तो इनका क्लास डायनोफाइसी, तो इनका क्लास देखा जाए तो यूग्लिनोफाइसी। ये मैंने इनका थोड़ा आपको क्लासिफिकेशन समझाने के लिए कहा कि इनको क्यों ऐसा बोला जाता है। ये जो डायटम्स प्लस डेस्माइड्स है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, कॉमनली कॉल्ड एज, आई कैन से कॉमन नेम टाइप ऑफ थिंग। ये जो है डायटम्स प्लस डेस्माइड्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ज्वेल, ज्वेल्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज प्लांट किंगडम और किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि पहले ये प्लांट किंगडम में थे तो इसलिए ज्वेल्स कहा जाता है। ज्वेल्स इज समथिंग एज सेट विद ज्वेलरी, वो मैं आगे बता दूंगा कि इसको इनको ना मतलब दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी शाइनी, दैट द रीजन दे आर कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई प्लांट किंगडम, व्हाई स्टडिंग किंगडम प्रोटिस्टा, बिकॉज दे आर इनिशियली दे वर इन द प्लांट किंगडम, तो दे आर कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फायर एल्गी, वो आगे बिल्कुल आपको समझ आएगा, क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं बेटे। इनका ऐसे कोई इंपॉर्टेंट ना कॉमन नेम नहीं है, तो इट्स लाइक दिस, इनको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, इनको फायर एल्गी कहा जाता है बेटे। तो ये हो गया इनके बारे में, समझ रहे हैं आप। तो ये इनका थोड़ा सा मैंने आपको बोला, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बोला बेटे, आप ये कॉपी कर लीजिए, देन आई वुड कॉल्ड एज रब इट ऑफ।
ओके वेरी नाइस। तो यह हो गया बेटा इनके बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले डायटम्स के बारे में ना कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ बेटे। किन के बारे में? डायटम्स के बारे में। डायटम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा मैं बेटे। पहले मैं इसी को कंप्लीट करूंगा टेक्स्ट के हवाले से, बाकी हम ज्यादा इसमें टेक्स्ट के अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और मेनली इसमें हमारा फोकस रहेगा प्रीकॉलेज टेक्स्ट बुक। डायटम्स दे आर व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक, दे आर एक्वाटिक, दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरिन वाटर। मोस्टली मरीन में ही ये पाए जाते हैं सारे प्रोटिस्टा, तो दे आर बोथ फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज व्हाट इज कॉल्ड मैरिन वाटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर पैसिवली ड्रिफ्टेड विद द वाटर करंट्स, दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड एज प्लैंकटॉन्स। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक समझ रहे आप बेटा, यानी कि दे कैन बी, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, दे आर इनविजिबल मोस्टली टू द नेकेड आईज। समझ रहे माइक्रोस्कोप। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर प्लस व्हाट इज कॉल्ड मैरिन वाटर, जबकि इनमें मेन मैरिन वाटर ही में ये सारे प्रोटिस्टा देखने को मिलते हैं। दे आर पैसिवली ड्रिफ्टेड विद द वाटर करंट्स। इनमें जो सोमैटिक बॉडी होती है, जो मेन इनमें बॉडी होती है प्रोटिस्टा में, उसमें जैसे जनरली फ्लैजला नहीं होती है, दे हैव फ्लैजला इन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स गैमेट स्पोर्स में इनमें फ्लैजला होता है जो, लेकिन मेन इनकी बॉडी होती है बेटा, डिप्लॉयड बॉडी जो इनकी होती है बेटे, या जो इनकी बॉडी की होती है सोमैटिक बॉडी जो होती है उसमें जनरली फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होते। तो मैं कहूंगा यहां पर टेक्स्ट के दे आर पैसिवली ड्रिफ्टेड विद द वाटर करंट्स, they are passively drifted with water currents and are called as planktons, and are called as what? Planktons। तो ये important line है, इसमें planktons इनको कहा जाता है। इनमें देखो एक तो होता है दे आर ड्रिफ्ट, यानी कि जहां से वाटर करंट जाएगी ये भी उसी साइड में जाएंगे बेटे, वो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनमें मतलब दे कैन स्विम एक्टिवली बिकॉज दे डू नॉट हैव इन देयर सोमैटिक फेज, दे डू नॉट हैव फ्लैजुला ऑन देयर सेल्स। तो दे आर द व्हाट इज कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ओशियंस में ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी आपको बता देंगे, वो यहां पर नहीं लिखते बेटे। अब थोड़े से इनके नाम पर जाते हैं बेटा, व्हाई दे आर कॉल्ड डायटम्स। ये जो पहले मैं बात करूंगा, इनका जो सेल वॉल होता है, इनका जो सेल वॉल होता बेटे ऐसे, दैट इज मेड ऑफ टू हाउस। इनका जो सेल वॉल होता बेटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह प्रोटोप्लाज्म वो छोड़ लीजिए आप, इनका जो सेल वॉल होता है बेटा, दैट्स मेड ऑफ टू हाउस, वो दो हाउस का बना, तो दो हिस्सों का बना होता बेटा, विच फिट इनटू ईच अदर जस्ट लाइक सोप बॉक्स, टू पार्ट्स ऑफ द सोप बॉक्स। आप वॉशरूम में देखा होगा जो हमारे जमाने में हुआ करते थे, जो सोप बॉक्स हुआ करते थे वो दो मतलब हिस्सों के बने होते थे जो एक दूसरे में फिट हो जाते थे, ऐसे आज भी है। तो बिल्कुल इनका जो सेल वॉल होता है ये दो हिस्सों का होता है, बना होता है टू हाउस का बना होता है, विच फिट इनटू ईच अदर जस्ट लाइक टू पार्ट्स ऑफ द सोप केस, सॉरी सोप बॉक्स आई कैन से। यहां पर मैं बोर्ड पे अगर दिखाता हूं तो बिल्कुल एक हाफ ऐसे उसके अंदर ना फिट होगा मेरे बच्चों, दूसरा हाफ उसके अंदर फिट होगा बेटा, दूसरा हाफ ऐसे उसके अंदर फिट होगा। ओके जो ऊपर वाला पार्ट होता है इनका सेल वॉल का, दैट्स कॉल्ड एज एपिथीका, और जो इनका नीचे वाला पार्ट होता है बेटा ऐसे ही है, इसको बोलते हैं हाइपोथीका। जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना बेटा, ये बिल्कुल दो हिस्सों में सेल वॉल डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया इनके एपिथीका एंड व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपोथीका, ये हो गया इनका, इसीलिए इनको डायटम्स कहा जाता है। ब्रेक करेंगे आप इनको, जो सेल वॉल होता है वो तो सेलुलोज का बना होता है, उसमें ऑब्वियसली
एज ए प्लांट कैरेक्टर इन देयर सेल्युलोजिक सेल वॉल, और इस सेल्युलोज के अंदर इनके साथ दे हैव व्हाट इज कॉल्ड एज इंप्रेग्नेशंस, द सेल वॉल और सेल्युलोज इज इंप्रेग्नेटेड विद द सिलिका, यानी कि इनका जो सेल वॉल है सेल्युलोज का बना होता है, और जो ये सेल्युलोज है इसके साथ इसके इसमें सेल्युलोजिक वॉल पे इंप्रेग्नेशन होती है, डिपोजिशन होती है सिलिका की बेटे, SiO2 सिलिका जिसको आप बोलते हैं सिलिका, और दिस सेल्युलोजिक व्हाट यू कॉल्ड एज वॉल, दिस सेल्युलोज प्लस सिलिका इट फॉर्म्स अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज फिस्टुला, ये पूछा जा सकता है, इट इज ऑफ टेरिफिक इंपॉर्टेंस, FRUSTULE, FRUSTULE, फिस्टुला, दोबारा से बता देंगे बेटे आपको, क्या बता देंगे आपको, ये तो क्लियर हो गया इनको डायटम्स क्यों कहा जाता है बेटे, और मैंने बोला इनका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना होता है बेटे, और सेलुलोज में इंप्रेग्नेशन रहता है, डिपॉजिट हुआ होता है बेटा, बीच बीच में उसमें इंप्रेग्नेशन होती है किसकी, सिलिका की, इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सेलुलोज प्लस सिलिका जो एक कॉमन कवरिंग बनती है, बाहर से एक हार्ड कवरिंग बनती है सेलुलोज प्लस सिलिका की, इसको हम फिस्टुल बोलते हैं बेटे, तभी जब ये मर जाते हैं ना बेटा, ये जो इनका फिस्टुल होता है इट इज नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, ये डिपॉजिट, आगे मैं बात करूंगा बेटे, तो ये फिस्टुल की बात होगी, अब सिलिका की वजह से सैंड की वजह से सिलिकेटेड जो इनका सेल वॉल होता है इसकी शाइनी जो देयर मीन ऑलवेज शाइनी, दैट द रीजन दे आर कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्लैंकटॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, एपिथीका हाइपोथीका, तो ये मैं आपको इनके बारे में बैठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हो गया डायटम्स के बारे में, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू, इसी तरीके से बेटे अगर हम इनकी डायटम्स की बात करेंगे, इनमें पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे बेटे, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे, बीइंग फोटोसिंथेटिक इनमें तो लाजमी है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगी, इनमें होगा क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी, इनमें क्लोरोफिल ए रहता है बेटा और क्लोरोफिल सी रहता है इनमें, प्लस व्हाट इज कॉल्ड एज बीटा कैरोटीन भी इनमें होता है बेटा एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बीटा कैरोटीन भी इनमें होता है बेटे, और इनमें कुछ जेंथोफिल्स होते हैं, खास तरीके के जेंथोफिल्स होते हैं बेटे, क्लोरोफिल होता है इनमें, क्लोरोफिल सी होता है, बीटा कैरोटीन ये इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात, और इनमें जेंथोफिल्स होते बेटे, एक होता है इनमें, एक जेंथोफिल इनमें होता है बेटा, अच्छा चलिए आप छोड़ी छोड़ दीजिए बेटे, आपको जेंथोफिल्स में इसमें ज्यादा बात नहीं करनी है, ये इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात होगी बेटा, समझ रहे आप, तो दिस इज अबाउट देयर व्हाट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल की बात करेंगे, यानी कि जब ये फूड मटीरियल स्टोर करते हैं बेटे ये किस फॉर्म में, जैसे एनिमल सेल्स स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट सेल स्टोर एक्सेस या रिजर्व फूड मटेरियल एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये रिजर्व करते हैं बेटा फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीकोसिन, और क्राइजो लेमिनेरन इसको बोलते बेटे, क्राइजो लेमिनेरिन इसको कहा जाता बेटे, यानी कि जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज लीकोसिन, LEUCOSIN लीकोसिन और क्राइजोलेमिनेरिन, तो केमिकली जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे ये होता है केमिकली बीटा वन का मथ्री ग्लूकॉन, ये ऐसा होता है बेटा बीटा वन का मथ्री ग्लूकॉन होता है असल में, कॉपी कर लो बेटे इसमें एक इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कॉपी कर लो बेटे, और इंपॉर्टेंट याद रखो इनमें क्लोरोफिल और क्लोरोफिल सी होता है, बी नहीं होता है इनमें, तो रिजर्व फूड मटीरियल इस फॉर्म में होता है, इसको कॉपी कर लो बेटे, ठीक है, क्या कॉपी आप लोगों ने, ओके अब इनमें एक और पॉइंट, हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटे, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, अब मैं इनकी रिप्रोडक्शन की बात करूंगा बेटे, दे प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली,
अंडर फेवरेबल कंडीशंस अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होता बेटे अंडर फेवरेबल कंडीशंस व्हाट दे डू इज दैट दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। इसका आपको कॉन्सेप्ट होगा बेटे, न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता अंदर, फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है और बाइनरी फिशन हो जाता है बेटे, समझ रहे आप। तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन इज व्हाट कॉल्ड इज एन सेक्सुअल मोड और वेजिटेटिव मोड, दैट इज बाइनरी फिशन, समझ रहे आप। इसके बाद बेटे बाइनरी फिशन के बाद मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात करूंगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म अ स्पोर कॉल्ड अ स्टैटोस्पोर। ये थिक वॉल्ड होता बेटे, थिक वॉल्ड स्पोर अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, बाहर से खतरा है बेटा, न्यूट्रिएंट्स वापस न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, या व्हाट कॉल्ड इज देयर आर टेस्टिंग कंडीशंस आउटसाइड, तो इसमें एक स्पोर बनाते हैं थिक वॉल्ड स्पोर, उसको हम स्टैटोस्पोर बोलते बेटे। फिर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आप सेक्सुअल प्रोडक्शन में दे शो आइसोगैमी, दैट दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स विच कम एंड फ्यूज टुगेदर। तो जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको आइसोगैमी, दे हैव व्हाट कॉल्ड एन आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, जो बेटे फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, आइसो मीन्स सिमिलर, एन आइसो मीन्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, या ओगैमी भी होती है कुछ मेंबर्स में। अभी आप एक चीज यहां पर रखो बेटे, याद रखो वो अभी, दैट जस्ट टू बी रिमेंबर्ड एज ऑफ नाउ, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका एक डायग्नोस्टिक फीचर है जो है इनमें बेटे, दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जायगोट बनाते हैं बेटा, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर। अभी आप ये याद रखो बेटे, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन आगे मैं आपको दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा बेटे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनकी होती है बेटा, सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जब इनके जायगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि गेमिट्स होते हैं इधर, गेमिट्स बनते बेटे, तो गेमिट बनने के बाद जायगोट बनता है, समझ रहे आप। जाइगोट एक कन्वर्ट होता है एक इंपॉर्टेंट सेल में, दैट सेल इज कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर, AUXO ऑक्सो एसपीओर ऑक्सो स्पोर इसको बोलते बेटे। तो ये हो गया किनकी बात बेटे, दिस इज ऑल अबाउट रिकॉर्डेड डायटम। अब इनकी थोड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहती है जो मैं मतलब लास्ट में एक साथ पढ़ाऊंगा ऑल द ग्रुप्स की। तो दिस इज अबाउट द डायटम्स, दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें डायटम्स में आपने याद रखना है कि इनको डायटम्स क्यों कहा जाता है, इनमें एपिथीका हाइपोथीका होता है बेटा, प्राइमरली दे आर व्हाट इज कॉल्ड एज एक्वाटिक माइक्रोस्कोपिक होते बेटे, रिजर्व फूड मटेरियल में क्या रहता है, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बेटे। तो दैट्स ऑल अबाउट डायटम्स, रेस्ट विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।